फाइनल में भी किस्मत के सहारे पाकिस्तान, अपने दम पर जीतेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान कर रहा 1992 वर्ल्ड कप की बात, भारत के सूर्या ने संभाली कमान। पहले एडिलेड में, फिर मेलबर्न में भी गूंजेगा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि एक वक्त में सब कह रहे थे कि पाकिस्तान को अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। उनके खुद के खिलाड़ी भी यही बोल रहे थे, उनकी मीडिया अपने ही खिलाड़ियों को कोस रहा था, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने किस्मत के सहारे ही फाइनल में जगह बनाई। हाँ, ये जरूर मानना होगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ और लीग मैच में अफ्रीका के खिलाफ बढ़िया क्रिकेट खेला, जबकि वो जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए थे। बहरहाल, अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 1992 का वर्ल्ड कप याद आ रहा है और वो कह रहे हैं किस्मत हमारे साथ है। लेकिन 1992 वाले वर्ल्ड कप का इत्तेफाक भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, कैसे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि पाकिस्तान के लोग और खिलाड़ी क्यों बार बार 1992 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं और वो इत्तेफाक क्या है। पहला इत्तेफाक, 1992 में भी पाकिस्तान ऐसे ही लड़खड़ाते हुए दूसरों के सहारे सेमीफाइनल में पहुंची थी। तब पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान थे, इस बार भी पाकिस्तान दूसरी टीमों के सहारे थी। नीदरलैंड ने अफ्रीका को हराया, तब जाकर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा। दूसरा इत्तेफाक, 1992 में भी पाकिस्तान का मुकाबला सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हुआ था और जीतकर फाइनल में पहुंचे थे। इस बार भी पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में हुआ और उसे हराकर वो फाइनल में पहुंचे। तीसरा इत्तेफाक, 1992 में भी ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन था और लीग स्टेज से बाहर हो गया था। इस बार भी ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है और लीग स्टेज से ही बाहर हो गया है। चौथा इत्तेफाक, 1992 में भी दक्षिण अफ्रीका के लिए बारिश विलन बनी थी और इस बार भी अफ्रीका के लिए बारिश विलन साबित हुई है। पांचवा इत्तेफाक, 1992 का वो वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा था और वो इस देश में होने वाला पहला वनडे वर्ल्ड कप था। इस बार भी वर्ल्ड कप वहीं पर है और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। छठा इत्तेफाक, 1992 वर्ल्ड कप फाइनल भी मेलबर्न में खेला गया था और इस बार भी फाइनल मेलबर्न में खेला जाएगा। यही वो इत्तेफाक हैं जो अब तक पाकिस्तान के साथ इस वर्ल्ड कप में होते आए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने कहा कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह ने हमें जिताया है, जैसे ही 1992 के वर्ल्ड कप में जिताया था। भारत चाहेगा कि अब और इत्तेफाक ना हो, एक वर्ल्ड कप के लिए इतने इत्तेफाक ही काफी हैं, इससे ज्यादा कोई हजम भी नहीं कर पाएगा और हम भारतीयों के लिए तो ये बहुत ही खराब होगा, क्योंकि 1992 के वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला था और उसके सामने टीम थी इंग्लैंड। इसलिए भारतीय टीम इस इत्तेफाक से नहीं बल्कि 2011 वाले इत्तेफाक से ज्यादा खुश होगी, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप में भी स्थितियां लगभग यही थी, बस पाकिस्तान को भारत ने सेमीफाइनल में हराया था। इसके अलावा 2007 वाले वर्ल्ड कप के इत्तेफाक से भी भारतीय टीम खुश होगी, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को लीग मैच में हराया था, फिर उसके बाद फाइनल में भी पाकिस्तान को हराया था। इसीलिए टीम इंडिया पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने से खुशी होगी, क्योंकि भारत के लिए न्यूजीलैंड को ICC टूर्नामेंट में हराना हमेशा टेढ़ी खीर ही साबित हुआ है, जबकि पाकिस्तान से तो वर्ल्ड कप में हम बस एक ही बार हारे हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर भारत सेमीफाइनल में जीता तो फाइनल में किसके जीतने के ज्यादा चांस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओनली स्पोर्ट्स।